हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे, आपसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे, आपके जो भी क्यूरीज थे, उसके सभी का आंसर देने के लिए। जी हाँ दोस्तों, विद प्रूफ आपको बताने वाला हूँ। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि प्रोफेसर जी ने बताया था कि आपको कि कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको जो है बुलाया जाएगा और आपको जो डॉक्यूमेंटेशन है किस फॉर्मेट में चाहिए। तो दोस्तों, आप काफ़ी लोगों ने जो है कमेंट किया था उस वीडियो के नीचे, और उस वीडियो के नीचे जो भी कमेंट्स था, तो उसका आंसर देने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो आपको आपको बता सकूँ कि कौन से फॉर्मेट में चाहिए, क्या उसमें वैलिडिटी डेट है, क्या संबंधित है एससी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए, तो हम सब कुछ बताएंगे पूरा विस्तार से। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर दोस्तों आप क्वालिफाई होते हैं और क्वालिफाई होने के बाद अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन अगर राइट फॉर्मेट में नहीं होता है, जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी तकलीफ तब होती है जब आप एक छोटी सी चीज़ यानी अपनी गलती की वजह से इस प्रक्रिया से बाहर होंगे। आपने इतनी मेहनत की, इतनी लगन से पढ़ाई की, उसके बाद अगर आप क्वालिफाई हो रहे हैं और आप सिर्फ इसलिए बाहर हो रहे हैं क्योंकि आपका जो है सर्टिफिकेट यानी आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है वो इस फॉर्मेट में नहीं है जिस फॉर्मेट में उनको चाहिए, तो आपको कितनी तकलीफ होगी इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीधा टॉपिक पे। तो देख सकते हैं आपके सामने जो मैंने ओपन कर रखा है वो ऑलरेडी आपको भी पता है, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। अब हम इस पर आ जाते हैं कॉलम में नीचे, तो आपको आना है कॉलम नंबर 30 पे, 30। तो देख लीजिए, अभी हम नीचे आ रहे हैं धीरे धीरे। तो यहाँ पर आपको पूरा जो है ब्यौरा साफ साफ दिया हुआ है। तो मोस्टली क्या होता है, बच्चे काफ़ी जो है ध्यान से पढ़ते तो नहीं है, कुछ बच्चे पढ़ते हैं, कुछ लोग छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि कुछ खास नहीं, लेकिन सब कुछ आपको जो है नोटिफिकेशन में ही मिल जाता है। तो हमने सोचा चलिए आपके लिए पूरा जो है अपडेट इस वीडियो के अंदर आपको दिखा दें कि कौन कौन सी चीज़ें जो है आपको लेकर जानी है और कौन कौन सी चीज़ें नहीं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, आ जाते हैं 30 पे। देखिए, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट ओनली द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ CBSE। आपको कोई भी जानकारी लेनी हो तो आपको CBSE की वेबसाइट से लेनी, ये चीज़ दी है। नेक्स्ट है, द कैंडिडेट्स में राइज देयर लीगल डिस्प्यूट रेजिंग रिक्रूटमेंट नोटिस इफ एनी एक्सक्लूसिव ज्यूरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट्स ऑफ दिल्ली ओनली। तो ये तो आपको पता ही होगा कि बेसिक चीज़ें हैं, तो इसमें कुछ आपको खास मैं नहीं बता रहा हूँ। नंबर 32 पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या दिया, वेरीफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स। जी हाँ, ये है टॉपिक जो आपको जो मैंने इसमें बताने वाला हूँ, स्पेशली ये कि वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ये आप सबको पता है कि हाँ मेरे पास डॉक्यूमेंट है, मैं एससी में हूँ, मैं ओबीसी में हूँ, ईडब्ल्यूएस में वगैरह, जो भी आपकी कैटेगरी हो आपके पास है डॉक्यूमेंट्स है, आपको लगता है सही है। लेकिन नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता, इसलिए क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं जब एक बार क्वालिफिकेशन के लिए गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो वहाँ पर एक स्टूडेंट का ऐसा हुआ था, जस्ट उसका सिर्फ एक रीज़न से उसको बाहर किया गया था कि उसके पास जो है एससी कास्ट का जो सर्टिफिकेट था वो सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्म में नहीं था, फॉर्मेट में, बस इतनी वजह से जो है उसको टाइम भी दिया गया 10 दिन। लेकिन आपको पता है 10 दिन में आसान नहीं होता बनवा पाना, तो ये होता है आपके साथ जब आप जो है एन वक्त पे छूट जाता है आपका कुछ इस प्रकार की जॉब। तो देख लीजिए फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स में, तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे, द कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये देख लीजिए कॉलम में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलोंग विद 2 सेट्स ऑफ सेल अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी कि आपको सब कुछ ओरिजिनल लेके जाना है प्लस 2 सेट आपको उसको क्या लेके जाएंगे, फोटोकॉपीज है ऑब्वियसली, जेरोक्स लेके जाएंगे 2 सेट बना के। फिर बी में देख लीजिए, ऑल सर्टिफिकेट शुड बी आइदर इन इंग्लिश और हिंदी ओनली। तो ये चीज़ ध्यान दीजिए, इंग्लिश और हिंदी ओनली। तो काफ़ी लोग ये होते हैं कि पूछते हैं सर, जैसे मैं बताता हूँ आपको एग्जांपल कि गुजरात अगर मैं आप अपना सर्टिफिकेट बनाएंगे तो वहाँ पे गुजराती लैंग्वेज दी होगी, अगर आप महाराष्ट्र में बनाते तो वहाँ पे मराठी लैंग्वेज दी होगी, उत्तर प्रदेश से बनाते तो वहाँ पे हिंदी दी होगी ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ पर जो आपको क्या क्राइटेरिया है, इंग्लिश और हिंदी दो ही चीज़ें मांगी गई है, यानी आपका सर्टिफिकेट या तो इंग्लिश में हो या तो हिंदी में हो। तो ये आप जो है बनवा सकते हैं, फॉर्मेट अवेलेबल होता है। आप ये मत सोचिए कि स्टेट गवर्नमेंट में सर ऐसा नहीं है, नहीं, आपको किसी भी स्टेट में अगर आप जाएंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है आप कंपलसरी है, जी हाँ, आपको उस लैंग्वेज में आपका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ऑब्वियसली एक आपका राजभाषा होगा जो आपका ऑफिशियल होगा स्टेट का, तो वो तो आपको मिलेगा ही, लेकिन आप इंग्लिश में जो है अप्लाई कर सकते हैं अगर आप हिंदी में अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो। जैसे आपके कुछ स्टेट्स हैं, जैसे साउथ में देख लीजिए, गुजरात में देख लीजिए, महाराष्ट्र में देख लीजिए, जहाँ पे हिंदी का नई भाषा है उनके लिए थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप इंग्लिश में जो है अपने सर्टिफिकेट्स को बनवा लीजिए। वेयर सर्टिफिकेट्स आर नॉट इन इंग्लिश एंड हिंदी, देख लीजिए यहाँ पर साफ साफ ये भी दिया हुआ है, सेल्फ अटेस्टेड ट्रांसलेटेड वर्जन इन हिंदी इंग्लिश शुड बी प्रोड्यूस वेन एवर रिक्वायर्ड। यानी कि आपको बात घुमा फिरा के वही होगी, इससे बेहतर है कि आप इंग्लिश में जो है फॉर्मेट आता है उसमें आप बनवा लीजिए, वो ईजी पड़ेगा आपको। ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुड बी स्ट्रिक्टली इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, देख लीजिए यहाँ पे स्ट्रिक्टली वर्ड दे दिया है, आप समझ सकते हैं शुड बी स्ट्रिक्टली इन
प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मर्स, यानी कि आपको उसी फॉर्मेट में ही चाहिए, स्ट्रिक्टली यहाँ पे दिया गया है। तो ये चीज़ जो है हम आपको ज़्यादा जो है जोर दे रहे हैं, इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि अब रिज़ल्ट जो है नज़दीक है और रिज़ल्ट के बाद आप किसी के पास समय नहीं बचेगा। तो फिलहाल आपके पास टाइम है, तो आप अपने जो बाकी के काम है उसको निपटा लीजिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से। नो एडिशन टाइम विल बी गिवन द कैंडिडेट्स फॉर प्रोड्यूसिंग देयर ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स ऑन द डेट ऑफ देयर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे देखिए ये भी चीज़ है कि आपको जो है एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं दिया जाएगा अगर आपके पास उसमें फॉर्मेट में नहीं है। तो डॉक्यूमेंट्स टू बी ब्राउड बाय द कैंडिडेट्स इन ओरिजिनल एज एप्लीकेबल फॉर वेरिफिकेशन एज मेट्रिकुलेशन। दसवीं का आपको देखिए यहाँ पे चाहिए एजुकेशन एंड टेक्निकल सर्टिफिकेट चाहिए आपको, एससी एसटी सर्टिफिकेट इन फॉर्मेट एज प्रेस्क्राइब परफॉर्मर। देखिए यहाँ पे जो आपको फॉर्मेट दिया है उसमें ही आपको चाहिए, तो ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ एससी एसटी के लिए कौन सा। अब देखिए नंबर चार पे ओबीसी के लिए, तो ओबीसी के लिए देखिए नंबर चार पे क्या दे, ओबीसी एनसीएल नॉन क्रिमिनल वाला जो आपका सर्टिफिकेट इन द फॉर्मेट एज प्रेस्क्राइब परफॉर्मर एज नॉट ओल्डर देन वन ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एक साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए यहाँ पे दिया हुआ है, not older than one year from the date of document verification. Now next one है non creamy layer declaration by OBC candidate as per prescribed performer. तो यहाँ पे देखिए ये भी है non creamy layer और creamy layer के लिए, दो चीज़ें हो गई। Next है income and asset certificate for economically weaker section यानी EWS वालों के लिए यहाँ पे prescribed performer, यानी ये भी आपको जो है जो उनका फॉर्मेट है उसमें चाहिए। ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फॉर एक्स सर्विसमैन, ये एक्स सर्विसमैन के लिए। पीडब्ल्यूडी के लिए देखिए दिया है मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी एज पर प्रेस्क्राइब परफॉर्मर एज एप्लीकेबल। नेक्स्ट है आईएक्स आपका सर्टिफिकेट फॉर पर्सन हैविंग फिजिकल लिमिटेशन ऑफ राइट एंड सब्सक्राइब एज इसेंशियल फॉर एग्जामिनेशन एज पर प्रेस्क्राइब परफॉर्मेंस, ये भी हो गया आपका। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर एक्स सर्विसमैन नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए अगर आप किसी भी एम्प्लॉय में काम करते हैं। लीगल डॉक्यूमेंट इन केस ऑफ फॉर्मेट चेंज नेम वीज, तो चलिए ये सारी चीज़ें तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, जो मेन टॉपिक था आपका क्या था सर्टिफिकेट किस फॉर्मेट में होना चाहिए। तो अब हम सीधा आपको फॉर्मेट दिखा देते हैं दोस्तों, क्योंकि वो भी तो आपको ज़रूरी है पता होना। तो ये देखिए ये है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये है देखिए परफॉर्मा, तो ये परफॉर्मा फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाई अदर बैकवर्ड क्लासेस अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करते हैं किसी भी जॉब की, मैं बता रहा हूँ नॉट फॉर सीबीएसई, किसी भी, तो ये आपको इंपॉर्टेंट रहेगा। दिस इज सर्टिफाइड दैट द श्री श्रीमती कुमारी यहाँ पे सन डॉटर नेम, ये जो फॉर्मेट है ये आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। उसके बाद देखिए सील यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में मजिस्ट्रेट यहाँ पे उनका सिग्नेचर हो जाएगा यहाँ पे, तो ये चीज़ें जो है आपकी जो है उसमें मेंशन होनी चाहिए। जी हाँ, तो ये जो फॉर्मेट आपने देखा वो था। अब देखिए फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन टू बी सबमिटेड बाय द ओबीसी कैंडिडेट इन एडिशन टू द कम्युनिटी सर्टिफिकेट, तो ये उनका परफॉर्म है, आप इसको देख सकते हैं कहीं पर भी। ऑब्वियसली आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके जो इसका नोटिफिकेशन है वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए, आपको जो है मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका। अब ये देखिए डिक्लेरेशन एक्स सर्विसमैन के लिए जो कोटा है ये उनका फॉर्मेट है, ये भी आप देख सकते हैं सेल्फ अटेस्टेड वाला। यहाँ पे आपको प्लेस डेट रोल नंबर सिग्नेचर नाम स्ट्रिक्टली विचर इज़ नॉट एप्लीकेबल देखिए। नेक्स्ट में आ जाते हैं हम, जो आपको चाहिए सर्टिफिकेट ऑफ इन केस अदर देन मेंशन इन फॉर्म VN6 में नेम एंड एड्रेस मेडिकल अथॉरिटी इश्यूइंग बाय द सर्टिफिकेट, तो ये मेडिकल अथॉरिटी वाला है आपका ये फॉर्मेट में। सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटीज जो डिसेबिलिटीज़ में फॉर्म भरे हैं उनके लिए देख लीजिए, ये परफॉर्म है आपका। नेक्स्ट है आपका डिसेबिलिटीज़ का, ये भी इन केस ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, वो सिंगल था ये डिसेबिलिटीज़ है जिसमें आपको ढेर सारे हैं, तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप सब लिख सकते हैं यहाँ पे, यही फॉर्मेट में ही चाहिए। और किसी भी फॉर्मेट में प्लीज़ आप ध्यान दीजिए इस बात पर कि आपको सेम फॉर्मेट में चाहिए, यहाँ पे दिया हुआ है। सर्टिफिकेट ऑफ रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन इन एग्जामिन टू राइट, ये रहा आपका परफॉर्म। ये है लेटर फॉर अंडरटेकिंग फॉर यूजिंग स्क्राइब। अब आ गए हम एससी एसटी, ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा फॉर्म भरे गए थे एससी एसटी, तो 1 लाख से ज़्यादा फॉर्म है, देख लीजिए दोनों के लिए एक ही जो है फॉर्मेट है। यहाँ पे आपका इस प्रकार का बनना होगा, ये सारी चीज़ें धाराएं जो आपको दी गई हैं यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की, ये आपको मेंशन होना ज़रूरी है। तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा कि यही फॉर्मेट में चाहिए दोस्तों, किसी भी अदर फॉर्मेट में आपका नहीं होगा। तो आप चाहें तो इसको प्रिंट आउट ले सकते हैं या फिर इसे प्रिंटिंग करवा सकते हैं ऑब्वियसली ये पेज को, और उसके बाद इस पर जो है सील मोहर आप लगवा लीजिए जो आपका जो है जहाँ से आप बनवाए हैं, तो ये आपको मिल जाएगा दोस्तों जल्द से जल्द, 15 दिन के अंदर ये हो जाता है काम।
तो जो देर मत कीजिए, एस सी एस टी में जितने भी बच्चे हैं जिनको भी लगता है कि उनका फॉर्मेट ये नहीं है, बिल्कुल यही फॉर्मेट चाहिए और कोई भी फॉर्मेट आपका एक्सेप्ट नहीं होने वाला है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नेम एंड एड्रेस गवर्नमेंट ऑफ असेट वाला के लिए है ये। तो ये थे आपके सारे फॉर्मेट्स जो हमने आपको बताया था कि इस फॉर्मेट में ही आपको चाहिए, और ये सारी चीज़ें अवेलेबल है आपको इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पर। जी हाँ, तो प्लीज़ विज़िट कीजिए और अपने सारे फॉर्मेट्स को एक बार देखिए क्या आपके फॉर्मेट में सिर्फ जैसा यहाँ पे मेंशन किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब के लिए वैसा है या नहीं है। नहीं है तो आप उसे जल्द से जल्द बनवाइए। अगर इंग्लिश में है, नहीं है तो भी उसके लिए आपको ट्रांसलेशन वगैरह कराना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि आप इंग्लिश में भी बनवा लीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ भी डाउट्स अभी भी है तो आप ऑब्वियसली हमें कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर हमारा दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर भी चेक कर सकते हैं और वहाँ से हमें आप पर्सनली भी जो है हमको अपने इश्यूज़ बता सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई अपडेट के साथ।